तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया और मैंने गाड़ी वहाँ पे रख दिया है इको का। तो दोस्तों आज तो मुझे गाड़ी रोकना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट जा रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक जगह मिल चुका है और ये देखिए मैंने खोल दिया है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों गाड़ी के अंदर बैठा हुआ हूँ क्योंकि बारिश आने का चांसेस है और घूमने का भी मन है, तो स्कूटी से जाऊँगा तो दोस्तों बर्बाद हो जाऊंगा। खाना वाना तो मैंने खा लिया है नहा धोवा के, अभी वही सोच रहा हूँ दोस्तों कौन सा तरफ जाऊँ घूमने के लिए, क्योंकि हफ्ता में एक दिन दोस्तों घूमने का मन तो करता है हर किसी का, तो वही बात है दोस्तों। गाड़ी में तो बैठ चुका हूँ आके, लेकिन जाऊँ का वही सोच रहा हूँ। चले दोस्तों, जो तरफ में मेरा गाड़ी जाएगा उसी तरफ में जाऊँगा और थोड़ा घूम के आता हूँ कहीं पर जाके। चले दोस्तों निकलते हैं, जाते थोड़ा आते हैं घूम के और आप भी घूमिए मेरे साथ। तो चलिए निकलते हैं दोस्तों, मेरा स्टीयरिंग कौन सा तरफ जाएगा वो उसी तरफ जाऊंगा। तो दोस्तों फाइनली मेरा गाड़ी ने अपना स्टीयरिंग घुमा लिया, तो मेरा गाड़ी बोल रहा है कि कल जहाँ से मैं गया था वहीं पे जाने के लिए बोल रहा है घूमियम। मैं दोस्तों बहुत बार जाता हूँ ट्रिप लेके ये तरफ, लेकिन वही ट्रिप पे जाता हूँ कभी कभार, ज़्यादातर कस्टमर भी साथ में होते हैं इसलिए मैं सब चीज़ों को नहीं दिखा पाता। वहाँ पे एक व्यू पॉइंट भी है जहाँ से पूरा जो उमियम लेके पूरा दिखाई देता है, तो वो सब चीज़ मैं ज़्यादातर नहीं दिखा पाता दोस्तों, क्योंकि साथ में कस्टमर होता है अच्छा भी नहीं लगता है एक्चुअली, इसी वजह से दोस्तों। तो जाऊँगा आज, आज तो संडे है दोस्तों, वैसे तो ट्रैफिक जाम होता नहीं है, लेकिन वही बात है कि अगर वही ब्रिज में अगर ट्रैफिक जाम मिल गया तो मैं ज़्यादा आगे तक नहीं जाऊंगा दोस्तों, मतलब ब्रिज को क्रॉस नहीं करूंगा। अगर ट्रैफिक जाम नहीं होगा तो मैं डेफिनेटली और भी आगे जाऊंगा ब्रिज क्रॉस करके। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, वैसे तो आज संडे है तो ट्रैफिक जाम होने का तो चांसेस बहुत ही कम थी है, लेकिन कोई बात है गारंटी नहीं है, कभी कभार हो भी जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं, व्यू पॉइंट देख के आते हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया और मैंने गाड़ी वहाँ पे रख दिया है इको का सामने। तो ये देखिए दोस्तों मैं दिखाता हूँ, वाओ दोस्तों देखिए क्या जगह है, दोस्तों और थोड़ा मैं आगे जाके दिखाता हूँ। तो लोग फोटो खींचे तो वहाँ से जाता हूँ दोस्तों। ये देखिए वहाँ पे मैंने रखा है गाड़ी, देखिए इको का सामने, और ये देखिए कल तो मैं पूरा यहाँ पे ट्रैफिक जाम में फंसा था दोस्तों, लेकिन आज देखिए पूरा खाली है। तो जाता हूँ वहाँ पे और दिखाता हूँ आपको। मैं पहले बार भी आप पे आके वीडियो लिया था एक बार दोस्तों, लेकिन मैं अच्छे से आपको दिखा नहीं पाया। तो ये देखिए दोस्तों, वाह यहाँ से बोटिंग जो लास्ट टाइम मैं नेहरू पार्क गया था एक्चुअली बोटिंग वहाँ से होता है दोस्तों, नेहरू पार्क वहाँ में है थोड़ा नीचे में, और बोट जो आता है यहाँ से भी दिखाई देता है दोस्तों। ये देखिए बोट जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, देखिए मैं जूम करता हूँ आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं मालूम नहीं। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये सिंगल नहीं है तो बड़ा वाला बोट है, और ये लोग वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ पे आइलैंड टाइप का बना हुआ है दोस्तों। अब जगह देखिए, वाह इतना अच्छा हवा चल रहा है दोस्तों कि क्या बोलूँ, वाह। अब चेक कीजिए एक बार जगह, क्या है कुछ तो है,
चलिए दोस्तों, मुझे तो लग रहा है कि आज ट्रैफिक जाम इतना नहीं होगा, तो जाते हैं। मुझे तो जाना है यहाँ से, तो निकलते हैं दोस्तों और जाते हैं आगे में। वैसे तो मैं खा के आया हूँ दोस्तों, अभी कोई गारंटी नहीं है। कुछ देखने से खाने का चीज़ मुझे तो ऐसे ही पेट में भूख लग जाता है, आपको मालूम ही है। बात तो सही है। तो देखिए रास्ता तो पूरा खाली है, ट्रैफिक जाम इतना नहीं होगा, तो चलिए चलते हैं आगे में दोस्तों। तो दोस्तों मैंने फिर से यहाँ पे गाड़ी रोक दिया, क्योंकि ये जगह यहाँ पे भी व्यू पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए एक्चुअली मैंने कभी रोका नहीं था यहाँ पे, और रोक के मैंने दिखाया नहीं था आपको दोस्तों, इसी वजह से मैं दिखा रहा हूँ। तो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं दोस्तों, रुकिए। तो दोस्तों देखिए नेहरू पार्क दिखाई दे रहा है यहाँ से, वो देखिए दोस्तों, यही नेहरू पार्क का जो एरिया है, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ से लेके पूरा ये जो एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है आइलैंड टाइप का, यहाँ पे ये देखिए नेहरू पार्क का, मैं यहाँ तक जाके आया था, आपको याद है कि नहीं। और वहाँ पे देखिए आगे में पानी में बोट भी लगा हुआ है उसका आगे में। वाह, कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों, जगह देख के कितना अच्छा लग रहा है। वाह, और यहाँ पे सूखा हुआ डाल, ये भी अच्छा लग रहा है। तो आर यू कॉमेडी मी? चले दोस्तों चलते हैं आगे में। आज तो मुझे गाड़ी रोकना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट जा रहा हूँ, लेकिन आने का टाइम शायद थोड़ा रोकना भी पड़ सकता है दोस्तों। देखते हैं क्या होता है, जाते हैं थोड़ा आगे में और जाके देखते हैं कुछ खाने का मिलता है कि नहीं। जैसे तो होटल वगैरह देखने से आपको मालूम है मेरा पेट में भूख लग जाता है, तो हल्का फुल्का ज़्यादा पानी कुछ चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक ड्रम स्टिक और छाव पैकिंग करवा लिया है, तो आगे जाके एक सुंदर जगह देख के बैठ के खाऊंगा दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक जगह मिल चुका है, और ये देखिए मैंने खोल दिया है, इसको देख के तो क्या लग रहा है दोस्तों। और ये है छाव, तो शुरू करते हैं। एक्चुअली भैया से गलती हो गई और मुझसे भी, मैंने जो चम्मच है वो मांगना ही भूल गया भैया से, तो उंगली जिंदाबाद, नो प्रॉब्लम। थोड़ा टेस्ट करते हैं, बैठ के बना मतलब बेच रहे हैं, लेकिन टेस्ट बहुत ज्यादा ही है सच में। तो दोस्तों खाना तो हो गया खत्म और बहुत ही टेस्टी था। थोड़ा पानी पी लेता हूँ दोस्तों, जो चटनी दिया था लेकिन बहुत ही ज्यादा तीखा था, तीखा सा था, का साथ मजा आ गया दोस्तों। जितना भी आप बाहर में खा लो दोस्तों, रास्ता खाने का मज़ा ही कुछ और है दोस्तों। और टाइम हो रहा है दोस्तों 5:30,
तो चलिए अभी निकलते हैं। वैसे भी आने का टाइम मैंने देखा है कि ब्रिज का इस पार तो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। वही सोच रहा हूँ कि कितना टाइम लगेगा मुझे पहुँचने के लिए। तो बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, मतलब हाँ संडे में निकलता हूँ लेकिन ऐसा वाला खाना नहीं मिलता है। सोचिए दोस्तों, मैं घर से खाना खा के आया था लेकिन यहाँ पे आके फिर से लग गया। देख लिया ना मैंने जो कुछ भी खाने का चीज़ मिल रहा है इसी वजह से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अभी डायरेक्ट घर में। अभी पहुँचने में तो थोड़ा टाइम लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि ट्रैफिक जाम तो है। जाने का टाइम, आने का टाइम तो नहीं मिला लेकिन जाने का टाइम तो मिलेगा दोस्तों। तो चलिए निकलते हैं डायरेक्ट, अभी चलते हैं घर में दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली मैं चला आया। थोड़ा टाइम लग गया दोस्तों, क्योंकि वही ब्रिज में थोड़ा टाइम लग गया और बाकी तो कहीं पे भी ट्रैफिक जाम नहीं मिला। तो फाइनली मैं चला आया, गाड़ी में मैंने डाल दिया है पार्किंग में दोस्तों। तो आज का वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों, छोटा मोटा ब्लॉग, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए आपको वीडियो आज का कैसा लगा दोस्तों। बस थोड़ा घूम के आ गया दोस्तों, वही अच्छा लगा और साथ में खाना भी मिल गया। छाव लेकिन टेस्टी था दोस्तों, ड्रम स्टिक भी बहुत ही अच्छा बनाया था भैया ने, सच में बहुत ही टेस्टी लगा खा के, वही बात है। तो आज के लिए ब्लॉग बस इतना ही दोस्तों, फिर कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।